Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. It is my email ID and today I am going to discuss a very important topic of each one of you, irrespective of any discipline you have, that is ethics in research. All stakeholders of higher education must be aware with this very concept, that is ethics in research. And this lecture will be very useful for various competitive examinations, your general course, your awareness and all. And the lecture will be in bilingual mode as usual, as always. And do subscribe my channel too. So let's start. First of all, research. एक ऐसा शब्द जो हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च मतलब अनुसंधान। अनुसंधान के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि रिसर्च हम जानते हैं, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि री मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन, एंड सर्च मतलब कुछ हमको खोजना है, कुछ हमको निकालना है, कुछ ज्ञान की खोज करनी है, यानी कि पुनः बार 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 अगर हम कुछ खोज कर रहे हैं ज्ञान के लिए, ज्ञान के क्षेत्र में कुछ अभिवृद्धि करने के लिए, तो वो रिसर्च है। लेकिन फिर भी अगर इसको जाने क्विकली तो ये क्या है, एक स्टूडियस इंक्वायरी और एग्जामिनेशन, मतलब कि हम कुछ पढ़ लिख कर कुछ खोज रहे हैं, कुछ परीक्षण कर रहे हैं, वो रिसर्च है, या इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एम्ड एट द डिस्कवरी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, रिवीजन ऑफ एक्सेप्टेड थियरीज और लॉज इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सच न्यू और रिवाइज थियरीज और लॉज। यानी कि मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी हमको डिफाइन करके बताती है कि जो रिसर्च है वो एक तरीके की जांच है, एक तरीके का परीक्षण है, प्रयोग है, जो किसके लिए जाता है, एम, जिसका उद्देश्य होता है कि हम कुछ खोजें या जो हमारे पास फैक्ट्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन करें या क्या करें, रिविजन ऑफ एक्सेप्टेड थियरीज और लॉज, यानी कि जो थियरी हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ये सिद्धांत है, ये नियम है, उनका अगर दोहराएं, मतलब उनको रिवाइज करें न्यू लाइट में, इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स, मतलब कुछ नया रिविजन करना है, कुछ अपडेट करना है, कुछ चेंज हो गया उसकी लाइट में देखा जाए, या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सच न्यू और रिवाइज थ्योरीज और लॉज, यानी कि इस तरीके की जो न्यू थ्योरी या रिवाइज थ्योरी या लॉज हमारे पास आ गए हैं उनका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है, वो सब कुछ रिसर्च का क्षेत्र है अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। और क्या है रिसर्च, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक इंक्वायरी, यानी कि इतनी बार सिस्टमैटिक स्टडियस इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, सिस्टमैटिक इंक्वायरी, ये स्पष्ट है कि रिसर्च सिस्टमैटिक होती है, कोई हैपहैजर्ड प्रोसेस को आप रिसर्च नहीं कह सकते, यानी कि खोज है और किस तरीके की खोज है, सिस्टमैटिक है, दैट इंटेल्स कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास सूचना मिलती है उसको हम डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखते हैं, एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डेटा या इन्फॉर्मेशन, और उस डेटा या उस आंकड़े या उस सूचना का हम एनालिसिस यानी कि विश्लेषण और इंटरप्रिटेशन यानी कि उसके अर्थ निकालते हैं, इन अकॉर्डेंस विद सूटेबल मेथोडोलॉजी सेट बाय स्पेसिफिक प्रोफेशनल फील्ड्स एंड एकेडमिक डिसिप्लिन्स, और विभिन्न एकेडमिक डिसिप्लिन्स में, प्रोफेशनल फील्ड में जो सेट मेथोडोलॉजीज हैं उनका प्रयोग करते हुए हम ये सब करते हैं। और इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स द रिसर्च डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग आउट नॉलेज, यानी कि अगर हम सबसे साधारण शब्दों में कहना चाहें कि रिसर्च क्या है, तो अनुसंधान की परिभाषा दी जा सकती है कि ये ज्ञान की खोज है। ओके, देन एथिक्स, हम रिसर्च इन एथिक्स पढ़ रहे हैं या एथिक्स इन रिसर्च पढ़ रहे हैं या रिसर्च एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च पहले पता होना चाहिए रिसर्च क्या है, फिर एथिक्स पता होना चाहिए किसको एथिक्स कहा जाता है। एथिक्स को अगर हम जाने तो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथॉस, यानी कि इथॉस जो कि एक ग्रीक वर्ड है उससे इसका ओरिजिन हुआ है, विच मीन्स वे ऑफ लिविंग, जो हमको बताता है जीने का तरीका, कैसे जीना है। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इज कंसर्न विद ह्यूमन कंडक्ट, मोर स्पेसिफिकली द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, यानी कि ये दर्शन की शाखा है, एथिक्स को मॉरल फिलोसफी भी कहते हैं, ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद मॉरल्स, इसलिए इसको मॉरल फिलोसफी भी कहते हैं। तो एथिक्स जो है वो एक दर्शन की एक शाखा है जो हमको ये बताती है जिसका लेना देना सरोकार किससे है, मनुष्य के व्यवहार से, मोर स्पेसिफिकली द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, और अगर हम विशिष्ट रूप से कहना चाहें तो जितने इंडिविजुअल्स हैं उनका क्या समाज में व्यवहार होना चाहिए उससे लेना देना एथिक्स का है। एथिक्स एग्जामिन्स द रेशनल जस्टिफिकेशन फॉर अवर मोरल जजमेंट्स, जो हम नैतिक निर्णय लेते हैं उसके तार्किक जस्टिफिकेशन हमको एथिक्स देता है। इट स्टडीज व्हाट इज मॉरली राइट और रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट, ये अध्ययन करता है कि क्या चीज नैतिक रूप से सही है, क्या गलत है, क्या न्याय पूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण है। इसके अलावा क्या है एथिक्स, इट इज अ कंसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, यानी कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं उसका कंसेप्शन हमको एथिक्स से मिलता है। एथिक्स टेल्स अस व्हेन आवर बिहेवियर इज मॉरल एंड व्हेन इट इज नॉट, हमको एथिक्स बताता है कि हमारा व्यवहार कब नैतिक है कब ये अनैतिक है। एथिक्स डील्स विद फंडामेंटल ह्यूमन रिलेशनशिप,
यानी कि मूलभूत मनुष्य के सहसंबंधों को डील करता है, हाउ वी थिंक एंड बिहेव टुवर्ड्स अदर्स, हमको कैसे सोचना है, कैसे दूसरे के सम्मुख बिहेव करना है, एंड हाउ वी वॉन्ट देम टू थिंक एंड बिहेव टुवर्ड्स अस, और क्या हम चाहते हैं कि वो हमारे विषय में क्या सोचे और कैसे हमसे बिहेव करें, इस सब का लेना देना इथिक्स के साथ है। एज इट सिंपलेस्ट, इथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, और अगर हम सबसे सिंपल शब्दों में कहें तो जो इथिक्स है वो मॉरल प्रिंसिपल्स का एक निकाय है। दे अफेक्ट हाउ पीपल मेक डिसीजंस एंड लीड देयर लाइफ्स, और ये इस पर निर्भर करता है या अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है कि लोग कैसे डिसीजन लेते हैं और कैसे अपना जीवन जीते हैं। फिर अब दोनों को जोड़ दें, रिसर्च और इथिक्स क्या है, रिसर्च जान लिया अलग से क्या है, इथिक्स क्या है। अब रिसर्च एंड इथिक्स का क्या मतलब है, रिसर्च इज एन एसेंशियल एंड ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट ऑफ हायर एकेडमिक एक्टिविटी। देखिए जनरल एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में रिसर्च की बात देखी जाती है, क्यों, क्योंकि रिसर्च क्या है, कोई स्पेशलाइजेशन है, विशिष्टीकरण है हमारे किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, इसलिए हायर एकेडमिक एक्टिविटी का ये एक एसेंशियल और ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट है, मतलब आवश्यक भी है और संगठित घटक है किसी उच्च शैक्षिक क्रिया का, कौन, रिसर्च। फिर इंगेजिंग इन रिसर्च एंड डिसमिनेशन ऑफ इट्स आउटपुट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसर्च में इंगेज रहना और इसका प्रसार करना, इसका जो आउटपुट निकल के आए, जो हमारी फाइंडिंग्स निकल के आई है, उसका प्रसार करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है या नहीं होना चाहिए कि हमने रिसर्च किया और हमारी आउटपुट जो है, हमारा जो आउटकम है, जो हमारी फाइंडिंग्स है, वो सिर्फ हम तक है, तो फायदा क्या हुआ, हम तो जान ही नहीं उसके बारे में, हमको उसको जमाने को बताना है, समाज को बताना है, ताकि समाज उससे लाभान्वित हो। If not shared, अगर ये शेयर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, not only does the new knowledge remain largely unutilized, तो जो नया ज्ञान हमने उत्पादित किया है, पुनरुत्पादित किया है, या तो वो मुख्य रूप से या अनयूटिलाइज रह जाएगा या यूटिलाइज इन ए वेरी लिमिटेड मैनर, और अगर यूटिलाइज भी होगा तो बहुत सीमित मैनर में, जो थोड़े दो चार लोग उस रिसर्च से जिनका ताना बना रहा है वो जानेंगे, बाकी कोई नहीं जानेगा। बट इट ऑल्सो डाइज विद द डिस्कवरर, और जो रिसर्चर है, जो डिस्कवरर है, उसी के संग ये मर भी जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी अगर हम इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं और इसका डिसमिनेशन नहीं करते हैं तो। और रिसर्च इज प्राइमरीली अ सेल्फ ड्रिवन एंड सेल्फ सेटिस्फाइंग ह्यूमन एंटरप्राइज विच हैज सोशल एक्सटेंशंस, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि रिसर्च मुख्य रूप से एक सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ सेटिस्फाइंग ह्यूमन एंटरप्राइज, यानी हमने अपने लिए किया है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किया है, लेकिन इसका विस्तार समाज तक जाता है। आइडियली रिसर्च इज द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, यानी कि आदर्श रूप में अगर हम कहें तो अनुसंधान क्या है, ये सत्य की खोज है, सत्य की दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। Therefore, at first sight, it may look paradoxical that one has to ensure ethical behavior in the pursuit of truth. यानी कि एक समय के लिए अगर हम इसको प्रथम दृष्टया देखते हैं तो हमको विरोधाभास जैसा लगता है कि रिसर्च जो कि परस्यूट ऑफ ट्रूथ है उसमें हमको क्यों इंश्योर करना पड़ रहा है कि इथिकल बिहेवियर होना चाहिए, मतलब इथिकल बिहेवियर तो होना ही चाहिए, हम किसी सत्य की खोज क्या अनइथिकल तरीके से कर सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं। इसलिए ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट साउंड करता है जब हम बात करते हैं कि रिसर्च को इथिकल तरीके से परिपूर्ण करना चाहिए। फिर दी वेल नोन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जीजी सिम्पसन हमसे कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द मेनी यूनिक क्वालिटीज ऑफ मैन द न्यू सॉर्ट ऑफ एनिमल दैट ही इज द ओनली इथिकल एनिमल। ये मनुष्य की एक बहुत विशिष्ट क्वालिटी है, गुण है, कि वही इकलौता ऐसा जानवर है, प्राणी है, जो कि इथिकल है। द इथिकल नीड एंड इट्स फुलफिलमेंट आर ऑल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन बट दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन मैन अलोन। यानी कि जो ये जो हमारी नैतिक आवश्यकताएं हैं और इसका जो फुलफिलमेंट है, जो इसकी परिपूर्णता है, वो हमको विकास के चरण में मिली है, जब उद्भव के चरण में उसके हमको उत्पाद के रूप में मिली है, लेकिन ये भी सिर्फ मनुष्य में ही विकसित हुई है। इसलिए रिसर्च तो इथिकल होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, फैब्रिकेशन, फैल्सिफिकेशन एंड प्लेजरिज्म, ये तीन जो है FFP, ये एक बस वर्ड है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और इन द फील्ड ऑफ एनी रिसर्च। फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन एंड प्लेजरिज्म इज द न्यू क्राइसिस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, ये अनुसंधान के क्षेत्र का एक नया क्राइसिस है कि क्या हो जा रहा है, या तो फैब्रिकेट कर दिया जा रहा है, या फॉल्सिफाई हमको रिजल्ट दिया जा रहा है, या हम प्लेजरिज्म को फॉलो कर रहे हैं। द इंक्रीजिंग अकरेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज पब्लिकेशन एथिक्स एंड डिटीरियरेटिंग एकेडमिक इंटीग्रिटी इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इट इज अ ब्लॉट ऑन ऑल एरियाज ऑफ रिसर्च। मतलब ये जो बढ़ते हुए घटनाएं ऐसी हैं कि कॉम्प्रोमाइज पब्लिकेशन एथिक्स, मतलब कुछ भी छाप दिया, बस हमने पैसा दे दिया, 5,000 तुम्हारा जर्नल में पेपर छप जाता है,
जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है, एंड डिटीरियोरेटिंग एकेडमिक इंटीग्रिटी, यानी कि जो शैक्षिक हमारी इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसका लगातार क्षरण हो रहा है। तो ये एक सामान्य, ये एक वैश्विक समस्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, हर देश में ऐसा हो रहा है। बस हम ये सैड नोट पर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड इट इज ब्लॉट ऑन ऑल एरियाज ऑफ रिसर्च, और रिसर्च यानी कि अनुसंधान के हर क्षेत्र पे ये एक धब्बा है। क्या फैब्रिकेशन, फैल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म। एकेडमिक इंटीग्रिटी क्या है? इट मींस गिविंग क्रेडिट वेयर द क्रेडिट इज ड्यू। इसका मतलब है कि वहां क्रेडिट मिलना चाहिए जहां क्रेडिट मिलना है। एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड एकेडमिक या साइंटिफिक डिसऑनेस्टी आर इंटरवोवन इन द सेम वे एज ट्रूथ एंड अनट्रूथ। यानी कि एकेडमिक इंटीग्रिटी और एकेडमिक डिसऑनेस्टी या साइंटिफिक डिसऑनेस्टी इसी तरीके से एक दूसरे से उलझे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जैसे कि ट्रूथ और अनट्रूथ, जैसे सत्य असत्य, उसी तरह से एकेडमिक इंटीग्रिटी और एकेडमिक डिसइंटीग्रिटी या एकेडमिक डिसऑनेस्टी। एकेडमिक डिसऑनेस्टी इज एन एक्ट ऑफ डिसेप्शन। ये एक धोखा है, एक तरीके का धोखा है, इन विच अ पर्सन सीक्स टू क्लेम क्रेडिट फॉर द वर्क और एफर्ट्स ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि इसमें क्या करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किए हुए कार्यों या प्रयासों के लिए क्रेडिट लेना चाहता है, और यूजेस अनऑथराइज्ड मटेरियल्स और फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन इन एनी एकेडमिक वर्क इंक्लूडिंग रिसर्च। ये है जो एकेडमिक डिसइंटीग्रिटी का हिस्सा है। फिर एक एक देखते चलते हैं कि फैब्रिकेशन क्या है, फैल्सिफिकेशन क्या है, प्लेगरिज्म क्या है। फैब्रिकेशन का क्या है, मतलब फैब्रिकेट किया, मतलब एक्चुअली आपने कुछ किया ही नहीं, मींस मेकिंग अप और कुकिंग अप डेटा, यानी कि हमने डेटा बना दिया है, और रिजल्ट्स विदाउट परफॉर्मिंग ड्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड रिपोर्टिंग देम इन प्रेजेंटेशंस और पब्लिकेशंस। यानी कि हमने रिजल्ट, हमने कोई रिसर्च नहीं की है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने सिर्फ डेटा को बनाया है और बिना एक्सपेरिमेंट किए, और हमने उसको पब्लिकेशन एथिक्स में प्रेजेंट कर दिया, पब्लिकेशन में मतलब पब्लिश कर दिया। फैब्रिकेटेड रिजल्ट्स आर नॉट बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑथेंटिक डेटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फैब्रिकेटेड रिजल्ट होता है वो एक्चुअल ऑथेंटिक डेटा पे बेस्ड नहीं होता है, क्योंकि रिसर्च एक्चुअली की ही नहीं गई है। फिर फॉल्सिफिकेशन क्या है, मतलब कि किया तो गया है लेकिन हमने वो नहीं बताया जो निकल गया है, तभी तो झूठ बोला ना हमने, फॉल्स स्टेटमेंट दिया। मींस द एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म, प्रयोग किए गए हैं, बट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन इज मैनिपुलेटेड, लेकिन जो उसका एक्सपेरिमेंटेशन का आउटकम है उसको हमने मैनिपुलेट कर दिया है। इट इज मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च मटेरियल्स, इक्विपमेंट, प्रोसेसेस एंड मॉडिफाइंग और ऑमिटिंग ऑफ डेटा रिजल्ट्स इन सच अ वे दैट द रिजल्ट इज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन द रिसर्च रिकॉर्ड्स। यानी कि इट इज मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च मटेरियल्स, यानी कि रिसर्च अनुसंधान की जो सामग्री है उसका हमने क्या किया, मैनिपुलेशन किया, जोड़ तोड़ किया उसमें, इक्विपमेंट प्रोसेसेस के संग यही किया, मॉडिफाई किया हमने, या तो बदल दिया या कुछ डेटा का हिस्सा निकाल गया रिजल्ट से, इन सच अ वे, इस तरीके से किया दैट द रिजल्ट इज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन द रिसर्च रिकॉर्ड्स। यानी कि रिसर्च रिकॉर्ड में जो लिख के आया वो कुछ वो है जो एक्चुअली लिख के नहीं आया था, तो ये फैल्सिफिकेशन है। और प्लेगरिज्म क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। प्लेगरिज्म क्या है, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सनस आइडियाज, प्रोसेसेस, रिजल्ट्स और वर्ड्स विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। यानी कि प्लेगरिज्म का क्या मतलब होता है, साहित्यिक चोरी जिसको हिंदी में कहते हैं, कि अप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सन आइडियाज, हमने दूसरे व्यक्ति के आइडिया को ले लिया, प्रोसेस को ले लिया, रिजल्ट को ले लिया, शब्द को ले लिया, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं दिया। कैसे लिया, ऐसे लिया जैसे ये हमारा आइडिया, प्रोसेस, रिजल्ट या वर्ड है। इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ समवन एल्स रिसर्च प्लान, मैन्युस्क्रिप्ट, आर्टिकल और टेक्स्ट और पार्ट थेरऑफ एज वंस ओन। यानी कि प्लेगरिज्म का मतलब क्या है कि हम किसी दूसरे के रिसर्च के प्लान को, मैन्युस्क्रिप्ट को, आर्टिकल को, टेक्स्ट को या उसके किसी हिस्से को अपना समझ के प्रेजेंट करें। फिर इथिक्स इन रिसर्च, अगर हम बात करें कि हमको नहीं रिसर्च तो इथिकल करनी है तो हमको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से प्रिंसिपल है वो, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलिफिशियंस, मतलब कि हम रिसर्च मस्ट नॉट कॉज हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स इन पर्टिकुलर एंड टू द पीपल इन जनरल। यानी कि जो अनुसंधान है वो जो पार्टिसिपेंट हैं उनको कोई कष्ट नहीं देगा और बाकी लोगों को भी, इन जनरल भी नहीं और पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को भी नहीं, यानी कि कष्ट नहीं देना है आपको अपने अनुसंधान में किसी दूसरे को। प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस, यानी कि कष्ट भी नहीं देना है बल्कि फायदा देना है। रिसर्च शुड ऑल्सो मेक अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन towards the welfare of people. यानी कि रिसर्च आप इसलिए करेंगे ताकि उससे लोगों के जन कल्याण का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, रिसर्च मस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यानी कि जो आपका सैंपल है जिस पे आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके आपको राइट्स को रिस्पेक्ट भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है, उसकी डिग्निटी को संभालना है। और द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, द बेनिफिट्स एंड रिस्क्स ऑफ रिसर्च शुड बी फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। ऐसा नहीं हो कि कुछ खास वर्ग को तो फायदा हो गया बाकी को हुआ नहीं या नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होना है। फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल होना चाहिए क्या, रिजल्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, रिस्क भी। फिर
फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट इन रिसर्च. तो क्यों अनएथिकल कंडक्ट रिसर्च में होता ही है, क्या कारक हैं जो ये मजबूर कर देते हैं या वो घटनाएं उत्पन्न करते हैं जिससे कि अनएथिकल कंडक्ट रिसर्च में हो जाता है. सबसे पहले कॉम्पिटिशन. कैसे कॉम्पिटिशन? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिसर्चर्स एंड ग्रेटर सोसाइटल इंपैक्ट ऑफ रिसर्च आउटकम्स हैव एस्केलेटेड द कॉम्पिटिशन फॉर द डिसमिनेशन ऑफ रिसर्च आउटपुट्स थ्रू पब्लिकेशंस एंड अदर फॉर्म्स. आपके कितने पब्लिकेशन है, मेरे कितने पब्लिकेशन है, तो जो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल होता है वो तभी आदमी लिख पाएगा जब उसने रिसर्च की हो. तो चूंकि हमने रिसर्च तो की नहीं लेकिन हमको पब्लिकेशन चाहिए और कंपटीशन में बने रहने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जोड़ तोड़ करेंगे, फिर फॉल्सिफिकेशन करेंगे, फैब्रिकेशन करेंगे और प्लेगरिज्म करेंगे. फिर क्लेमिंग प्रायोरिटी. सिंस रिसर्च आउटपुट इज ओन्ड बाय रिसर्चर्स क्लेमिंग द डिस्कवरी एंड सच ओनरशिप इज रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड बाय सोसाइटी इन वन फॉर्म और अनदर द डिजायर टू क्लेम ओनरशिप इज नेचुरल. यानी कि रिसर्च आउटपुट वैसे तो किसका है भाई, हमारी रिसर्च है तो उसका आउटपुट भी हमारे नाम से ना, लेकिन हम क्या करते हैं क्लेमिंग प्रायोरिटी, किसी और की रिसर्च के आउटपुट पे अपना क्लेम करते हैं. रैंकिंग. द एक्सपेंडेड सिस्टम ऑफ रैंकिंग ऑफ रिसर्च नाउ कवर्स अ वाइड कैनवस एक्सटेंडिंग फ्रॉम इंडिविजुअल रिसर्चर्स टू जर्नल्स एंड इंस्टीट्यूशन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. यानी कि रैंकिंग में हमारा बढ़िया जर्नल में पेपर छपा है या खराब में छपा है, नेशनल में छपा है कि इंटरनेशनल में छपा है. तो इंटरनेशनल में छपने के लिए अगर ज्यादा पैसा देके छपा है तो हम इंटरनेशनल में छपा लें क्योंकि हमने रिसर्च तो उस हिसाब से की नहीं है. फिर प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर. इसकी बात पहले भी की जा चुकी कि जितना बड़ी ज़्यादा जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होता है ये माना जाता है कि वो इतनी बढ़िया बढ़िया जर्नल है और अगर आपने उसमें पेपर पब्लिश किया है इसका मतलब है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है. तो जो प्रेस्टीज एसोसिएटेड है जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर से, और चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जर्नल जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर फेक इम्पैक्ट फैक्टर क्रिएट करते हैं, रॉन्ग साइटेशन दिखाते हैं, बहुत इसके पीछे गणित चलती है. तो ये भी एक फैक्टर है जिससे हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर वाले में हमारा पेपर पब्लिश हो जाए, चाहे उसके लिए हमको ज्यादा फी पे करनी पड़े. फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. देखिए रिसर्च होगी कहाँ, लैब में होगी, लेबोरेटरी में होगी, साइकोलॉजिकल लैब में होगी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की लैब में होगी अगर लैब की रिसर्च है तो, या कम से कम हमको इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलेगा ना. तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जनरली पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हमसे मांग की जाती है कि हम बढ़िया रिसर्च करें, प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें, प्रोजेक्ट करें, तो ये नहीं हो पाता, इसीलिए फैब्रिकेशन करना पड़ता है रिसर्च के रिजल्ट का. और एम्फेसिस ऑन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी. कोई आपसे नहीं पूछेगा कि गुणात्मक रूप से सबसे बढ़िया तुम्हारे पास अगर एक पेपर है तो बहुत अच्छा है, नहीं आपके 10 पब्लिकेशन होने चाहिए, पिछले साल भर के पब्लिकेशन बताइए. तो संख्या देखी जाती है, क्वालिटी जनरली नहीं देखी जाती. फिर इवॉल्विंग कोड्स फॉर रिसर्च इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट. तो हम क्या करेंगे, कोड डेवलप करेंगे जिससे कि रिसर्च इंटीग्रिटी बनी रहे और इथिकल कंडक्ट शो करें. क्या करें, रिसर्च इंटीग्रिटी एंड इथिकल कंडक्ट आर लार्जली इंटर रिलेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से. रिसर्च इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, रिफर्स मॉरल एडहेरेंस टू द डिफाइंड इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. यानी कि जो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो डिफाइंड है, यानी कि हमको इस तरीके से व्यवहार करना है, उसके लिए मॉरल एडहेरेंस है, यानी कि हमको उस पर नैतिक रूप से टिके रहना है. ऐसा नहीं कि आज हम ऐसा कर रहे हैं, कल ऐसा कर रहे हैं, कल ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इज ए पर्सनल कन्विक्शन रादर देन बिकॉज ऑफ द कंपल्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशन. यानी ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन का रूल्स और रेगुलेशन है कि आपको ऐसे ही करना है इसलिए हम इंटीग्रिटी शो कर रहे हैं, मैडम हमारा कोई पर्सनल स्टैंडर्ड नहीं है. हमारा पर्सनल कन्विक्शन होना चाहिए, नहीं हम गलत नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे के विचार को अपना लिखकर कॉपी नहीं करेंगे, हम बिना किए रिसर्च का रिजल्ट नहीं बताएंगे, या जो रिसर्च का रिजल्ट आएगा हम वही बताएंगे. फिर इथिकल प्रिंसिपल्स रिफर टू द ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड द डिसमिनेशन ऑफ द रिसर्च आउटपुट. और इथिकल प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि हमको जो रिकॉर्ड है हमारा उसको ऑनेस्टली और ट्रस्ट वर्दीनेस के संग उसको वैसे ही शो करना है जैसा कि वो निकल के आया है. एंड अ ब्रीच इन इंटीग्रिटी इन कंडक्टिंग रिसर्च एंड डिसमिनेटिंग इट्स आउटपुट कॉजेस सीरियस डैमेज टू सोसाइटीज प्रोग्रेस. मतलब अगर निकल के कुछ और आया, हम डिसमिनेशन किसी और चीज़ का कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम अपनी सोसाइटी की उन्नति को निश्चित रूप से बहुत पीछे ढकेल रहे हैं. इट ऑल्सो लीड्स टू ए लॉस ऑफ पब्लिक फेथ इन साइंटिफिक टेम्पर. और इसके अलावा क्या होगा कि जो पब्लिक का फेथ है विज्ञान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, प्रयोगों में, रिसर्चेज में, वो खत्म हो जाएगा. Maintaining integrity in the conduct of research and following ethical practices in the dissemination of the output is critical for the well-being of society and essential to keep the sanctity of academic pursuit. Maintaining integrity in the conduct of research and following ethical practices in the dissemination of the output is critical for well-being of society. यानी कि अगर हम समाज का कल्याण चाहते हैं तो हमको रिसर्च के कंडक्ट में इंटीग्रिटी दिखानी चाहिए और इथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए. एंड एसेंशियल टू कीप द सैंक्टिटी ऑफ एकेडमिक पर्स्यूट. और शैक्षिक कार्यों की पवित्रता भी तभी मेंटेन रह सकती है. सॉरी
स्टेटस ऑफ रिसर्च इथिक्स इन सोशल साइंसेज इन इंडिया, अगर हम बात करें, क्योंकि सोशल साइंसेज से डील करते हैं हम इस वक्त, कि इंडिया में सोशल साइंसेज में रिसर्च इथिक्स का क्या स्टेटस है, कि क्या स्टेटस है, तो हम पाएंगे कि सरप्राइजिंगली द कोडिफिकेशन ऑफ एथिक्स इन सोशल साइंसेज हैज नॉट रिसीव्ड मच अट्रैक्शन इन इंडिया, यानी कि कम से कम भारतवर्ष में ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव स्टेटमेंट नहीं है कि हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है किस तरह से रिसर्च करनी, नहीं. Not many universities have ethical guidelines for social science research. बहुत सारी universities ने भी अभी अपनी ethical guideline नहीं बनाई है. Not only this, the Indian Council for Social Science Research ICSSR does not have guidelines either. इस तरीके की guideline ICSSR भी नहीं follow करता है, मैं नहीं देता है. The University Grants Commission's Research Development and Innovation Programs Implementation Guidelines UGC 2017 ने deal with a long list of areas. ये काम किया है बट विद लिटिल एलिबोरेशन, वो भी उसने ज्यादा उसका फैलाव नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही बता दिया पॉइंट वाइज. अंडर द सेक्शन ऑन रिसर्च एथिक्स इट सिंपली स्टेट्स, अगर रिसर्च एथिक्स की बात जब यूजीसी करता है, यूजीसी आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो हायर एजुकेशन को डील करता है हिंदुस्तान में, तो ये सिर्फ ये कहता है कि द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग द यूजीसी रिसर्च फंडिंग आर रिक्वायर्ड टू हैव अ रिस्पांसिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च गाइडलाइंस. वो कहता है कि वो सारी रिसर्चेस जिनको यूजीसी फंड कर रहा है उनको ये रिस्पांसिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च गाइडलाइन फॉलो करनी है, एंड एन instruction program to instruct the researchers about the guideline. But what about those researchers जिनको की UGC की funding नहीं मिली है, तो क्या वो unethical तरीके से चल सकती है? इसका मतलब कि यहाँ पे भी अभी सुधार की आवश्यकता है. इसी को और आगे देखें तो the Indian Sociological Society too has a code of ethics that is easily accessible to its website. To लिखना था यहाँ पे या on its website. तो Indian Sociological Society के पास खैर एक code of ethics है जो कि उसकी website पर मिल जाता है. The National Institute of Advanced Science NIAS is among the small number of research institutions in academia that have a set of ethical guidelines. National Institute of Advanced Studies के पास, Advanced Sciences के पास अपनी guideline है. A comprehensive code of ethics across social sciences yet to develop in India. यानी कि अभी हमको इस पर काम करना बचा. To fill this gap in ethical, ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से कि मतलब क्या status है research ethics का social sciences में India में. फिर promoting ethics through UGC CARE and NEP 2020, चूंकि NEP 2020 का जमाना है और UGC CARE journals बहुत प्रचलन में है, तो वो ये जाना पड़ेगा कि क्या NEP 2020 ने या UGC CARE journals ने क्या किया है ethics का promotion करने के लिए research में. तो हम यहाँ से इस quote से शुरू करेंगे कि knowledge is power, information is liberating, education is the premise of progress in every society, every family. यानी कि आज कहते हैं ना knowledge society है, मतलब क्या है कि knowledge ही power है, जो ज्यादा knowledgeable है वो ज्यादा powerful है. और इन्फॉर्मेशन क्या है, इज लिबरेटिंग, यानी कि हमको जितनी ज्यादा सूचना मिलती है वो हमारी मुक्ति का द्वार को खोलती है. एजुकेशन इज द प्रमाइस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी सोसाइटी एवरी फैमिली, यानी कि शिक्षा जो है वो उन्नति का प्रमाइस हमको दिखाती है और प्रत्येक समाज में प्रत्येक परिवार में. ये वाइज वर्ड्स हमको किसने बताए, कोफी अन्नान जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस थे. रिवर बरेट स्ट्रॉन्गली एज ए सेकेंड डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी क्लोजेस ऑन ए बिवेरिंग नोट ऑफ पैंडेमिक्स इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन डिसरप्टिंग एस्टैब्लिश मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड लाइवलीहुड. ये कह रहे हैं कि जो दूसरा दशक 21वीं शताब्दी का निकला है उसमें पैंडेमिक आया, सूचना मिली हमको गलत सूचना मिली, हमारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो एस्टैब्लिश थे वो डिसरप्ट हो गए, एजुकेशन और लाइवलीहुड सब कुछ डिसरप्ट हो गया. वी आर फोर्स टू रियलाइज दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन विल नॉट बी इटसेल्फ विदाउट एथिक्स दैट डिटरमाइन चॉइसेस एक्शंस सच एज डिफिकल्ट प्रायोरिटीज. वो कह रहे हैं हमको ये फोर्स हम हो गए ये सोचने के लिए कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो मनुष्य की सभ्यता है, मानव सभ्यता है, उसका इथिक्स के बिना कोई मोल नहीं है. एज जॉन बर्गर सेज, विदाउट इथिक्स मैन हैज नो फ्यूचर. बिना इथिक्स के मानव का कोई भविष्य नहीं है. दैट इज टू से मैनकाइंड विदाउट देम कैन नॉट बी इटसेल्फ. Ethics determine choices and actions and suggest difficult priorities. Ethics जो है वो हमको ये सुनिश्चित करने में help करता है कि हमको क्या चुनना है, कैसे क्या करना है, और difficult priorities को भी suggest करता है, क्योंकि जो ethical होता है generally वो आसान नहीं होता है. फिर UGC CARE journal क्या कहते हैं, In 2018, यानी कि 2018 से पहले इसके बारे में बात नहीं थी, ये भी एक रीसेंट कंसेप्ट है हिंदुस्तान में. द यूजीसी केयर वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट एंड बेंचमार्क रिसर्च इंटीग्रिटी इन पब्लिकेशन एथिक्स अमंग द इंडियन एकेडमिया. यानी कि 2018 में यूजीसी केयर एस्टैब्लिश किया गया जिससे कि हम बेंचमार्क बना सकें, रिसर्च इंटीग्रिटी को प्रमोट कर सकें, पब्लिकेशन एथिक्स सुधार सकें इंडियन एकेडमिया में. इट वॉज पार्टली सेटअप टू रिप्यूडिएट इंडियाज अनसेवरी डिस्टिंक्शन ऑफ जनरेटिंग अ हाई परसेंटेज ऑफ पुअर क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशन. मतलब ये आपको पता है कि साल दर साल रैंकिंग निकलती रहती है, तो पाया कि हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है प्रथम 100 में, प्रथम 200 में, तो कहा गया कि और उसका फैक्टर क्या है कि बढ़िया पब्लिकेशन हमारे यहां से नहीं होता है. तो ये जो एक ब्लॉट है इंडियन एकेडमिया पे उसको सुधारने के लिए यूजीसी केयर आया. इंडिया वाज फोर्स्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन विद द 15 पॉइंट्स अंडर द एपीआई ईयरमार्क फॉर पब्लिकेशन इन रेफरी जर्नल्स लीड टू अ वाइड प्रोलिफरेशन ऑफ प्रीडेटरी जर्नल्स. देखिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अभी जानते हैं, एपीआई जानते हैं, वो कह रहे हैं 15 नंबर हमको मिलेगा अगर हमारा पेपर रेफरी जर्नल में छपेगा
तो बहुत सारे प्रिडेटरी जर्नल समाज में आ गए, मार्केट में आ गए, जिन्होंने लिख दिया कि वो रेफरी है, इतने सिर्फ पैसे लेके छाप दिया। पैसे लेके छापने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि वो पैसे तो लेते हैं तब वो कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करते और छाप देते हैं, पब्लिश करते हैं। तब तो बहुत सुधार हो गया है, बिकॉज टर्निटिन आ गया, उर्कुंड आ गया, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर चेकर आ गए, तो अब तो कुछ चीजें सुधरी। द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन प्रायर टू पीएचडी सबमिशन ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर। और ये कहा गया कि आप पीएचडी जब सबमिट करने जाएंगे उसके पहले आपके दो पब्लिकेशन होने चाहिए। उसने भी आग में घी डालने का काम किया कि ठीक है किसी भी तरह छपवाओ, कहीं भी छपवाओ, बैक डेट में छपवाओ, बस छपना है ना। Consequently, the primary objective of UGC CARE was a complete overhaul of the existing list of journals approved by its apex higher education body, the UGC. आपको पता होगा कि recent past की बात है, UGC CARE जब आया तो उसने बहुत सारे journal जो UGC listed थे उसको उस list में से हटा दिया, because वो up to the mark नहीं थे। To promote quality research, academic integrity and publication ethics in Indian universities, it stated as the first objective of UGC CARE. तो UGC CARE ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों में academic research, quality research, academic integrity और publication ethics को promote करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इट स्ट्रक्चर फॉर द असेसमेंट ऑफ द जर्नल इज अवेलेबल एज अ वेल प्लान्ड इंफॉर्मेटिव फंक्शनल रिस्पॉन्सिव इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, और एनईपी 2020 के शब्दों में देखें तो इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, चेयरमैन ऑफ द एनईपी ड्राफ्टिंग पैनल, ये क्या कहते हैं कि द एनईपी 2020 हैज बीन क्राफ्टेड टू रियलाइज अ न्यू सिस्टम अलाइन्ड विद द एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ 21st सेंचुरी एजुकेशन व्हाइल रिमेनिंग रूटेड इन इंडियन वैल्यू सिस्टम एंड एथोस। ये कहता है कि नहीं, हमको बहुत एडवांस होना है, हमको AI ले आ देना है एजुकेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोडेड होगा, कोडिंग सिखाएंगे, सब करेंगे, लेकिन हमको भारतीय मूल्य व्यवस्था को छोड़ना नहीं है। तो ये एथोस की बात हो गई, एथिक्स की बात हो गई। The deep commitment to ethics is endorsed by the fact that it underpins the fabric of the landmark reforms in the education sector enshrined in the National Education Policy of 2020. ये कह रहे हैं कि जो NEP है वो हमारे तीन basic tenet पे बना है। कौन कौन से तीन? सॉरी पांच। Access, equity, quality, affordability and accountability। यानी कि सब तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, हम समता को ध्यान में रखेंगे, गुणवत्तापूर्ण होगी शिक्षा, सब इसको afford कर सकें और accountable हो, मतलब हम जिम्मेदार बने कि हम अपने बच्चों को, शिष्यों को क्या सिखा रहे हैं। NEP 2020 flags all the basic criteria required for creating a vibrant knowledge society that India can be proud to reclaim through a holistic, flexible, multidisciplinary approach that will shape the potential human in each citizen of India in the fast-paced 21st century world. ठीक है, तो NEP 2020 भी ethics को लेके चल रही, कहने का मतलब ये है। और अगर हम इसको लास्टली कंक्लूड करना चाहें तो फाइनली टू वैलिडेट द कार्डिनल इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एथिक्स टू यूजीसी केयर एंड एनईपी 2020, वी लुक एट द वर्ड्स ऑफ द इनकम्पेरेबल एंड डीपली रेस्पेक्टेड स्वामी विवेकानंद। हम स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों के संग इसको निष्कर्ष इसका निकाल सकते हैं कि द वर्क ऑफ द एथिक्स हैज बीन एंड विल बी इन द फ्यूचर नॉट द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेमनेस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमको सबको एक समान बना देना है, यही एथिक्स है, विच इज इम्पॉसिबल, ये तो एकदम ही असंभव है, बल्कि हमको क्या करना है, टू रिकॉग्नाइज द यूनिटी इन of all these variations. इन सारी विभिन्नताओं में जो एकता है हमको उसकी खोज करनी है, to recognize the God within, उसमें कुछ ईश्वरीय चीज है उसका हमको recognition करना है, in spite of all apparent weakness and to recognize the eternal, infinite, essential purity of the soul in spite of everything, to the contrary which appears on the surface. देखिए सरफेस लेवल पे हम सब अलग दिखते हैं लेकिन सब में कुछ ना कुछ अच्छाई, कुछ ना कुछ ईश्वरीय गुण विद्यमान है। This we have to recognize. ये हमको खोजना होगा। Taking one side alone, one half only of the position is dangerous and liable to lead to quarrels. अगर हम सिर्फ एक पक्ष की बात सुनेंगे, आधा हिस्सा जानेंगे तो खतरनाक हो सकता है, उससे झगड़े होते हैं। We must take the whole thing as it is. हमको पूरी तरीके से संपूर्णता के संग देखना है दृष्टिकोण को, stand on it as our basis and work it out in every part of our lives as individuals and as members of society. मतलब ये बहुत बड़ा एम लेके कह रहे हैं कि ethical होना, तो हर चीज में अगर ईश्वर है, ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय तत्व है, तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो फिर रिसर्च ही क्यों अनइथिकल रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि रिसर्च तो अनइथिकल होने का मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि हम चले हैं कुछ खोजने, कुछ नया, कुछ ज्ञान के क्षेत्र में निर्माण करने, कुछ वृद्धि करने, कुछ उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने, और वो अगर अनइथिकल तरीके से हो रही है तो मतलब बहुत ही दुख का विषय है। इसलिए रिसर्च मस्ट बी इथिकल एट एनी कॉस्ट। Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education. And today I have covered a very important topic, ethical research or ethics in research. Okay, so join my Telegram group too and done from my site.